हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सिनेमा विद रिति। आज हम बात करने वाले ऋतिक रोशन की नई आने वाली फिल्म विक्रम बेधा के बारे में। क्या इस मूवी पर भी पब्लिक भारी पड़ने वाली है? क्या मूवी को पब्लिक के द्वारा बाइकॉट किया जाएगा? बस इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस टाइम बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, वहीं बॉलीवुड की फिल्मों पर ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हाल ही में आई हुई फिल्म अक्षय कुमार की रक्षाबंधन और आमिर खान की आई हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा को इसकी भरपाई करनी पड़ी। वहीं इन दोनों ही फिल्मों को पब्लिक ने बाइकॉट किया। और बात करें आमिर खान की आई हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई बजट में बनाई गई थी, लेकिन मूवी के न चलने का रीज़न यही था कि आमिर खान के कुछ पिछले बयानों की वजह से और पीके मूवी में धर्म के विरुद्ध हुए चीज़ों को लेके, जिस वजह से ये मूवी बाइकॉट कर दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से विक्रम बेधा मूवी को भी बाइकॉट किया जा सकता है। हालांकि मूवी में हमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान नज़र आए हैं। वहीं ऋतिक रोशन जो कि एक नेपो किड है, और वहीं बात करें सैफ अली खान की, जिनकी वाइफ करीना कपूर ने हाल ही में ये बयान दिया था कि अगर उन्हें उनकी मूवी पसंद आए तो वे देखें और उनका मन ना करे तो वे ना देखें, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता। बस इन्हीं सभी बयानों की वजह से विक्रम बेधा मूवी को भी पब्लिक बाइकॉट कर सकती है। वहीं बात करें ऋतिक रोशन की, जो कि एक नेपो किड है, उसके साथ साथ ऋतिक रोशन ने लाल सिंह चड्ढा मूवी के बारे में ये बोला था कि आप सभी को एक बार मूवी देखनी चाहिए, यह मूवी काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद ये मूवी देखी। बस इन्हीं सब कारणों से पब्लिक ने उस टाइम भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि ऋतिक रोशन ने ऐसा क्यों बोले, क्योंकि उनकी मूवी भी आने वाली विक्रम बेधा, जिसे कि पब्लिक बाइकॉट कर सकती है। अब ये तो हमें पता चलेगा विक्रम बेधा मूवी रिलीज होने के बाद, जो कि 30 सितंबर को मूवी रिलीज हो रही है। हालांकि आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या विक्रम बेधा मूवी को बाइकॉट करनी चाहिए या नहीं, हमें अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिनेमा विद रिति। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।